गुंडा माफियों की सरकार तो उनके समय में थी, जैसे आजम खान थे, वो थे, सब थे, तब गुंडा माफिया उनके समय में थे, अखिलेश के समय। इस समय तो गुंडा माफियों का हाल देख ही रहे हैं, गाड़ी पलट जाती है, जाती है, बड़ा फिट काम हो रहा है। हाँ, कोई कमी नहीं ना, कोई कमी नहीं ना, ना ना। दूसरी पार्टियों के पास मुद्दा बचा ही नहीं राम मंदिर का, अब क्या करेंगे, मत्था तो टेकना है। अभी राम मंदिर में मत्था टेकेंगे, बाद में बाबा के सामने मत्था टेकेंगे। खेती है, खेती है, काटने नहीं जा रहे, बड़ी आजादी है, पैसा लगाओ तो ना लगाओ तो फ्री खाओ, ऐसा नेता कहाँ मिले। तो हमारी टीम इसमें फिर हैदरगढ़ विधानसभा के क्षेत्र में एक चौराहा है, आप चौराहे के नाम तो मैं नहीं पता है, आइए नीलू कुछ पूछते हैं, क्या नाम दादा इस चौराहे का? चौकी चौराहा। चौकी चौराहा पर हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ लोग मिल गए होटल बैठते हुए, तो हमने कहा क्यों ना इनसे ही रूबरू हो जाए, क्योंकि आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर इस समय प्रदेश या बात की जाए प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो सरगर्मियाँ तेज हैं, वहीं अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए लोग भी बेसब्री से इस समय लग गए हैं, तो बात की जाए अगर यहाँ पर, तो इसमें आज पूछते कि यहाँ के जो विधायक है, बैजनाथ रावत ही हैं विधायक यहाँ के, क्योंकि हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, और इसी विधानसभा से आपको एक बार फिर बता दें कि जीत कर राजनाथ सिंह भाजपा के मुख्यमंत्री बने थे। दादा क्या नाम है आपका? इकबाल अहमद। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा कि फिर यही सरकार चलेगी? भैया हमको मालूम नहीं है अभी कौन चलेगी, लेकिन यहाँ जो अभी 4.5 साल हुए, कितना खुश हैं सरकार से? नहीं ठीक है, ठीक है, दबा के बहुत बोल रहे हैं, क्या बात है, कोई डर है क्या दादा? नहीं पान रखे हैं ना। अच्छा, पान खाने के शौकीन है। भैया आपका नाम क्या है? राज बहादुर। आप किस नजरिए से देखते हैं 4.5 साल? सरकार का कार्य अच्छा रहा जी, सरकार का अच्छा रहा, अच्छा रहा। इस बार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 400 पार सीट जीतेंगे, अब उनका अंदाज होगा, जीत सकते हैं, अगर उनका जनता उनको पसंद करेगी तो सरकार बन सकती है, ऐसा नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं सरकार का कार्य अच्छा रहा, आप किस नज़रिए से देखते हैं? हमारे हिसाब से तो हम लोग विधायक से कई बार मिले, आवास संबंधी अदर समस्या लेकर के, जिसमें विधायक ने अपना लेटर पैड लिख के दिया, जिसपे आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। ये इस किस नज़रिए इसको देखते हैं कि विधायक लेटर पैड भी लिख रहा है तब भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या अधिकारियों की उदासीनता या फिर विधायकों की चल नहीं रही? विधायक की चल नहीं रही, लेकिन इस्लामपुर के विकास कार्य से कहीं ना कहीं बैजनाथ रावत से हम खिन्न हैं। उसका मेन कारण ये है कि अमेठी बॉर्डर से लेकर और हैदरगढ़ तहसील तक मात्र इस्लामपुर एक ऐसी ग्राम सभा है जिसका डामरीकरण नहीं हुआ है, और उसके खिलाफ हमने कम से कम 8 एप्लीकेशन माननीय विधायक जी को दिया है, योगी की ही आएगी। अखिलेश यादव भी बता रहे हैं 400 से ज़्यादा सीटें पा रहे हैं। वो तो हवा हवाई है, हम बीजेपी के हैं तो हम बीजेपी के रहेंगे, वो सपा बता रहे हैं गुंडा राज भी बढ़ गया है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी के हम ऐसा जो पहले रहा है शायद बहुत कम हुआ है और कम होगा, लेकिन विकास कार्य हमारे यहाँ हैदरगढ़ विधानसभा में और खास इस्लामपुर के लिए माने बैजनाथ रावत जी का कार्य बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। क्या लग रहा है विधायक बदलेंगे क्या? अब ये तो समय बताएगा, ये कहना आपकी नाराजगी विधायक से है? नहीं नहीं ऐसा भाई, आप तो यही कह रहे हैं ना कि विकास नहीं किया विधायक ने, अब हम अपनी ग्राम सभा के लिए जरूर कहेंगे भैया। आप तन मन से लगे हैं लेकिन विकास नहीं, तो कहीं ना कहीं अब जिन जिन मतदाताओं के पास हम 2017 में गए थे अपनी ग्राम सभा में कि हम आप बीजेपी को वोट दीजिए और मैं अपने गांव का तो विधायक को लेके आइए ना, दिखाइए गांव। नहीं अब वो फिर समय आ रहा है, अब शायद वो सत्ता में आएंगे तो उसी गलियारे पर फिर आएंगे तो फिर उनसे एक बार कहेंगे कि यही है बाबूजी सड़क देख लीजिए। मतियाँ तो हुई है भाई विधायक जी के, कुछ चीज़ें हैं जो जैसे अब इनसे वादा किया गया था कि डामरीकरण होगा आपके गांव का, नहीं हो पाया, तो शासन प्रशासन क्या मंशा रही, कैसे क्या इन्होंने अपनी बात पहुंचा पाई नहीं पहुंचा पाई, लेकिन कुल मिला के हर जो सरकार है उससे सरकार बहुत अच्छी है, सरकार हमारी फिर भी मैं तो पार्टी के साथ हूँ। अच्छा पार्टी के साथ, हाँ। विधायक कौन है वो तो नमोहरा है। अच्छा हाँ, जो केंद्रीय नेतृत्व करेगा जो हमारे उत्तर विकास पे कैसे होगा ये बताइए, जैसे अबकी विकास नहीं हुआ। नहीं विकास हुआ क्यों नहीं, अब एक एक एकाध उदाहरण है, कोई रह गया होगा रह गया उसको फिर होगा, अभी बगल में हमारे जमीन सेनाबाद है, दो डामरीकरण हुई। आप अभी बता रहे थे कि विकास नहीं, आपके यहाँ हुआ कि नहीं विकास? विकास देखिए इस सरकार में विकास हम लोग ये चाहते हैं, देश का विकास हो रहा है, व्यक्तिगत विकास हो ना हो देश का विकास हो रहा है, इसलिए हम लोग पार्टी के साथ हैं, टिकट किसी को भी मिले उससे हमसे मतलब नहीं है, हमारा विकास हो या ना हो हमारे देश का विकास होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। हाँ देश का विकास हो रहा है, हम लोग खुश हैं। अभी राम मंदिर को लेकर कई पार्टी नेताओं ने मुद्दा छोड़ा, राम मंदिर मत्था, अब दूसरी पार्टियों के पास मुद्दा बचा ही नहीं राम मंदिर का, अब क्या करेंगे, वो मत्था तो टेकना है,
अभी राम मंदिर में मत्था टेकेंगे, बाद में बाबा के सामने मत्था टेकेंगे। अच्छा नहीं, अभी बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश यादव कह रहे थे गुंडा माफियों की सरकार। गुंडा माफियों की सरकार तो उनके समय में थी, जैसे आजम खान थे, वो थे, सब थे, तब गुंडा माफिया उनके समय में थे, अखिलेश के समय। इस समय तो गुंडा माफियाओं का हाल देख ही रहे हैं, गाड़ी पलट जाती है। अच्छा, गाड़ी पलट जा रही है, एक मुद्दा हो गया गाड़ी पलट जाने की। अच्छा, बात की जाए अगर किसानों को लेकर, तो किसानों को तो सरकार दे रही है, लेकिन जो आवारा पशु हैं, कितना जो है इस क्षेत्र में? अब आवारा पशु जो छूटे हैं, किसानों ने ही छोड़ा है उनको, तो किसानों का खेत चलेंगे ही, थोड़ा नुकसान जरूर होता है, लेकिन मेन बात यह है कि देश का विकास हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। तो अगर एक दो जगह विकास नहीं भी हो रहा है, जैसे पूरा गाँव ग्राम सभा है मान लीजिए, अगर पूरे ग्राम सभा में कोई एक लड़का निकला कहीं, पूरे ग्राम सभा का नाम हुआ, तो मान लीजिए उससे ग्राम सभा का नाम हो रहा है, अगर एक एक व्यक्ति अपना विकास चाहेगा तब नहीं हो पाएगा। इस बार कितनी सीटों का अनुमान लगा रहे हैं आप? इस बार 400 पार। 400 पार? अखिलेश यादव भी बता रहे हैं? नहीं, अखिलेश यादव तो वो मतलब 40-50 भी नहीं पाएंगे। 40-50 भी नहीं पाएंगे? हाँ, हमारे यहाँ तो नहीं पाएंगे, बाराबंकी जिले में तो एक भी सीट नहीं पाएंगे। ये कैसे कह सकते हैं आप? हम बता रहे हैं। अच्छा, बात अगर की जाए विकास को लेकर, जैसे यहाँ के विधायक को लेकर मतलब बताया कि विकास नहीं किया है, तो क्या कारण हो सकता है? जैसे बताया कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं विधायकों की इसी सरकार में। अब अधिकारी सुनने का कारण, जैसे बताया उन्होंने भैया ने आवास का, तो जांच हुई उनकी, 2-3 बार जांच हुई, अधिकारी ने जो रिपोर्ट देखा होगा वही लगाएगा। अब किसी में दबाव में आ करके अधिकारी काम नहीं करेगा, विधायक के दबाव में आ करके अब गलत काम कर दे। अच्छा, क्या लगता है कि जो विधानसभा का चुनाव होता है, ये जात को लेकर खेला जाता है, जातिवाद? जातिवाद पहले था, अब फिलहाल तो विकास और देश के नाम पर होगा। अब जातिवाद नहीं रह गया है, जैसे कहते हैं कि यादव हैं तो ये सब सपा को वोट देंगे, और पिछड़ी जात के लोग हैं ये बसपा को वोट देंगे, ब्राह्मण ठाकुर है भाजपा को वोट देगा, तो फिलहाल अब ऐसा नहीं है। अब लोग सब जागरूक हो चुके हैं कि मतलब वो देख रहे हैं कि हमारे देश का विकास हो रहा है, हमको किसके साथ जाना है। जब जो बाराबंकी है वो हमेशा से भाजपा का और सपा का गढ़ माना जा रहा है, इस बार किसका पड़ा भारी नजर आएगा? इस बार भाजपा का पड़ा भारी। अच्छा, भाजपा का पड़ा भारी। हाँ। लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि विधायक ने विकास नहीं किया है। हाँ, नहीं किया है, लेकिन हम बता दे रहे हैं विकास नहीं हुआ, अगले साल होगा, लेकिन हमारा देश तो आगे बढ़ रहा है। भैया आपका नाम क्या है? मोहम्मद अब्बू। आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी बात भैया ठीक जो कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, विकास तो जो हुआ है, जो नहीं हुआ है वो अगली बार होगा। अब क्या और क्या बोल सकते हैं, जो रास्ता वास्ता विधायक जो ठीक नहीं है, तो बात सही है। 2-3 बार हम भी विधायक के पास गए, लेटर में लिख के देख वहाँ जाओ, हैदगर लेके जाओ, वहाँ डीएम के पास लेके आते, बोलती है क्या है, तो कोई माना ही नहीं है। तो विधायक तो ठीक नहीं है, जो बात एकदम सही है, वो देखो रास्ता मेरा पूरा बंद हो गया। विधायक के पास लाया, जाँच कर लियो, पुलिस आई तो रोका, कोई कुछ भी नहीं। और मुख्यमंत्री किसे आप पसंद करेंगे? मुख्यमंत्री बाबा जी रहेंगे, योगी बाबा जी। अच्छा, बाबा जी ही के समोसे तल रहे हैं दादा। दादा क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। खेती दादा करते हैं? नहीं, खेती कई दिनों से कर रहे हैं। ईका हम हो गए 14-15 साल का। 14-15 साल, तो किस नजरे से देख रहे हैं आप इस बार सरकार? अरे सरकार तो ठीक है, जो चल रही बड़ी है, मिल रहा है राशन वासन अब कसके हाथों हाथ मिल रहा है, बहुत जोर। अच्छा दादा भी खुश? हमारा नाम है वासुदेव। क्या लग रहा है इस बार? बहुत बढ़िया है, मोदी और योगी ने गल्ला बांट रहे हैं, फ्री में खाते हैं, काटने धान नहीं जाते हैं। अच्छा, खेती है? खेती है, काटने नहीं जाते हैं, बड़ी आजादी है, पैसा लगाओ तो ना लगाओ तो फ्री खाओ। ऐसा नेता कहाँ मिले? पहले की सरकारों में ऐसा था कि नहीं? ना ही पहले नहीं रहा है, अब तो फ्री में गल्ला पावर काटे नहीं जाती है, अब तो बड़ी आजादी है, बड़ा फिट काम हो रहा है। हाँ, कोई कमी नहीं ना, कोई कमी नहीं ना, ना ना, बहुत बढ़िया फिट काम। खेत वो जो चरे जा रहे हैं बता रहे हैं जानवरों का? अरे तो लील गाँव संगठन का हमहीन छोड़ा है, हमहीन रखाई, हमहीन चरवाई का करी, क्यों छोड़ दिया भाई? सरकार कोई दोष नहीं? सरकार कौन दोष है, हम गारा और खूब खावा और बुढ़ाए गए, खोल के खेत दिन, पैसा वो सब मिल रहा नहीं? किसान वाला, किसान वाला पैसा पाई तो झूठ क्या बोल दे, पैसा मिल रहा है, गल्ला फ्री मिले। हाँ, बहुत काम बढ़िया फिट है। तो काटे वटे नहीं आते? काटे नहीं जाए थे, कटावत भी खेत होता है, मशीन से कटा ले, वो क्या करवाए? अच्छा, कुछ पेट पाले का है, और जोगी मोदी देते हैं हमका। हाँ, अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना है? अखिलेश वकील कुछ नहीं, अरे बता रहे आपकी धमाकेदार शुरुआत सरकार का, जो ऊपर वाला जानेगा, तीर मारे हैं, लगी लगी नहीं ना लगी, अब पैसा पाते हैं, राशन पाते हैं,
खेती का पैसा पाते चर्जा से खेती। इतनी उम्र में यही इस सरकार में सबसे ज्यादा फायदा हमको लगता है आपको हुआ? अरे हमका बड़ी फायदा मिली और हम नहीं जाने। अच्छा, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा सरकार में कहीं ना कहीं जो किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत सरकार पैसा खातों में भेज रही है, और बात अगर की जाए कोरोना को लेकर तो फ्री राशन, निःशुल्क राशन दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं खुश नजर है, कहते हैं हम खेत भी नहीं काटने जाते हैं। तो इस दौरान इस समय विधायक विकास कार्यों को लेकर कहीं ना कहीं जनता थोड़ा सा नाराज है, लेकिन फिर भी इन लोगों की मंशा की योगी ही सरकार दोबारा से फिर उत्तर प्रदेश बने। द यूपी टीवी के लिए शिव अवस्थी की रिपोर्ट।